छात्रों के बीच आपसी कहासुनी नई बात नहीं है, लेकिन उदयपुर में कहासुनी के बाद एक छात्र ने अपने क्लासमेट के साथ जो किया उससे सनसनी फैल गई। कलेक्टर को जनता से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। शिक्षा के मंदिर से आई खबर ने किया हैरान, सुनने वालों को नहीं हुआ कानून पर यकीन। स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है? कामयाबी का ककहरा सिखाने वाले स्कूल बदलाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बात मिड डे मील में घपलेबाजी और छात्राओं से छेड़खानी से आगे बढ़ चुकी है। ये हम नहीं बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही धुंधली तस्वीरें कह रही हैं। जी हां, इन तस्वीरों के पीछे का सच हैरान करने वाला है। आपका मन खराब ना हो इसीलिए वीडियो को ब्लर कर दिया गया है। तस्वीरों के पीछे फर्श पर जमा खून का थक्का है, जगह जगह पड़े खून के छींटे घटना की भयावहता को बता रहे हैं। अपराधियों के दो गुटों में हुई भिड़ंत में सड़क पर खून बहता तो भी गनीमत थी, तब सवाल कानून व्यवस्था पर उठते, लेकिन इस बार तो कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जगह भटियानी चौहटा स्थित आर्य समाज स्कूल, वक्त सुबह 10:30 बजे। सूरज पोल स्थित स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद दसवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्टूडेंट की चीख पुकार सुनकर टीचर जब दौड़कर बाहर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? लंच पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के पूरा नहीं, कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घायल स्टूडेंट को माराणा भूपाल अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक घायल और हमलावर दोनों ही दसवीं के छात्र हैं और आर्य समाज के स्कूल में ही पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की जांघ में चाकू से 2-3 बार वार कर घायल कर स्कूल से फरार हो गया। चाकूबाजी की सूचना पर सूरजपोल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इधर मामले की सूचना पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगह बाजार बंद करवा दिए। अस्पताल में एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने फरार छात्र को निरुद्ध करने के साथ ही उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाकूबाजी में घायल छात्र जिंदगी की जंग लड़ रहा है। स्कूल और अस्पताल में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर ने आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई इफा आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। पुलिस का दावा है कि वो अपराध की तह तक पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट।